वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर, स्पेशली फॉर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट। ठीक है, सो इसके पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, लास्ट वीडियो में मैंने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंट्रोपी डिस्कस किया था। ठीक है, उसी कंटिन्यूशन में आज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और एक यहाँ से नया टर्म पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट एंट्रोपी। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? एंट्रोपी। एंट्रोपी मीन्स मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस और रेंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एंट्रोपी चेंज देखा था रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए। रिवर्सिबल सिस्टम आइसोथर्मल, तो भी चेंज इन एंट्रोपी जीरो आया था। एडियाबेटिक कहेगा तो भी जीरो आया था। इरिवर्सिबल था उसके लिए ग्रेटर देन जीरो था, पॉजिटिव था। ठीक है, देन एक टर्म पढ़ा था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और प्रोसेस, तो जो अपने आप होते हैं, तो ड्यू टू ऑन अकॉर्ड और विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ठीक है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस था, तो हम ये कहते हैं कि ऑल नेचुरल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस एंड इरिवर्सिबल। उसकी केमिस्ट्री पढ़ी थी, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो आता है। स्टेटमेंट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, आपसे क्वेश्चन पूछता है, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। इरिवर्सिबल के लिए दिखा दीजिए कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं आज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, नस्ट हीट थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, और देन उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज एब्सोल्यूट एंट्रोपी और नस्ट हीट थ्योरम। ठीक है, सो गेट रेडी। चलिए फर्स्ट नस्ट हीट थ्योरम। सो नस्ट नाम हम पढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन आता है। दिस थ्योरम गिव्स द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी चेंज एंड गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए सिस्टम। सो ये हमें क्या बताता है? गिव्स द वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी चेंज दैट इज डेल्टा एच एंड एनर्जी चेंज दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी चेंज दैट इज डेल्टा जी विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। सो अकॉर्डिंग टू गिव सेलमोट इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये थर्मोडायनेमिक्स के लिए। फिलहाल अभी डेरिवेशन तो हम नहीं, सो नेक्स्ट जब आगे जब पढ़ेंगे ये भी हमें इक्वेशन पढ़ना है, गिव सेलमोट इक्वेशन, इसका डेरिवेशन भी आएगा आपको, जस्ट थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल जे डेल टी बाई एट कॉन्स्टेंट पी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ये मास्टर की है, बहुत सारा थर्मोडायनेमिक इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं इस इक्वेशन से। Now from this equation it is evident that at absolute zero, that is when T tends to zero or T equal to zero, delta G equal to delta H. ठीक है, so इस फॉर्मूले में डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है T. Now this value, ये जो यहाँ लिखा है डेल डेल जी डेल टी बाई एट कॉन्स्टेंट पी इज ए फाइनाइट क्वांटिटी, इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगा। सो अगर हम T को जीरो कर दें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको बोलते हैं ना, तो अगर हम टी को यहाँ पे जीरो कर दे, देखिए ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन जीरो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिंस इट इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, सो व्हेन टी इक्वल टू जीरो तो यहाँ से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। सो डेल्टा जी क्या हो गया? डेल्टा एच, नो प्रॉब्लम। सो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच। अब नस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया? नस्ट ऑब्जर्व दैट एज द टेम्परेचर इज लोअर्ड टुवर्ड्स एब्सोल्यूट जीरो या टेंस टू जीरो, टेम्परेचर को हम कम करते जाएं और किधर जाएं? जीरो की तरफ जाएं। सो द वैल्यू ऑफ दिस डेल डेल जे बाय डेल टी डिक्रीजेस एंड देन अप्रोचेज जीरो ए सम डिक्री। मतलब इसको अगर हम ग्राफ से दिखाएं तो इस तरह का कुछ कर्व आपको मिलता है कि ये डेल्टा जी और ये डेल्टा एच ऐसे आता है। ठीक है, सो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर जैसे जैसे कम करते जाते हैं, टेम्परेचर आप कम करते जाइए ये वैल्यू घटता जाएगा और एक ऐसा पॉइंट आएगा टेम्परेचर जहां पे ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है। ठीक है, दिस मींस दैट डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नॉट ओनली इक्वल एट एब्सोल्यूट जीरो बट द वैल्यूज अप्रोचेज ईच अदर एसिम्पटेटिकली नियर दिस टेम्परेचर।
ठीक है। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज नस्ट हीट थ्योरम, इसी को नस्ट हीट थ्योरम बोलते हैं। सो नस्ट हीट थ्योरम का मतलब क्या हो गया कि फ्रॉम द गिब्स एल्मोर्ट इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी इंटू डेल जी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी। अब नस्ट ने यहां से देखा कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को टेंड्स टू जीरो टुवर्ड्स जीरो की तरफ जाए घटाते जाए डिक्रीज करते जाए तो वहां से क्या मिलेगा कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच, ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाता है। मतलब एज टेम्परेचर डिक्रीजेस डेल्टा जी और डेल्टा एच डिक्रीजेस, ठीक है, और एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। वो टेम्परेचर जनरली क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, इसको बोलते हैं नस्ट हीट थ्योरम। सो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, सो इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज लिमिट टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है ना। तो जो हम कैलकुलस में पढ़ते हैं कि टी टेंड्स टू जीरो, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाइए जीरो की तरफ जाएंगे तो डेल जेल डी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डेल डेल्टा जी की जगह पे क्या आ गया डेल्टा एच, यहां से भी क्या आ गया जीरो, ठीक है। सो मैथमेटिकली दिस इज द नस्ट हीट थ्योरम, इसी को बोलते हैं नस्ट हीट थ्योरम। और यहीं से थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिराइव हुआ, ठीक है। चलिए फर्स्ट इसका कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नस्ट हीट थ्योरम, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है बट यहां हमें जो अपने काम का है वही लिया है फिलहाल बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट वी नो दैट डेल जेल डी डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। अब ये कहां से आया, इसके लिए तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जब गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ेंगे इसका सेकेंड पार्ट, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स का सिलेबस में लिखा हुआ है, इसके नीचे आप देखेंगे पार्ट टू में, तो वहां में वेरिएशन ऑफ ए भी है जी भी है एस भी है, ठीक है, तब आपको वहां में ये डिराइव होगा। मतलब आप गिब्स फ्री एनर्जी को अगर हम टेम्परेचर के साथ चेंज करें, देखिए थर्मोडायनामिक्स में जो ऐसे लिखते हैं ना कि डेल डेल जी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, तो डेल जी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी प्रेशर को कॉन्स्टेंट करके अगर हम गिब्स फ्री एनर्जी को वेरी करें किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ये किसके बराबर आता है माइनस डेल्टा एस के बराबर आता है, डिक्रीज इन एंट्रोपी हमें देगा, ठीक है। बट एट एब्सोल्यूट जीरो, मतलब एन टी टेंस टू जीरो या टी इक्वल टू जीरो, अकॉर्डिंग टू नस्ट हीट थ्योरम क्या था, ये ऊपर वाला लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल डेल जी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू जीरो, मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगा आपको जीरो। जब ये जीरो आएगा ये भी क्या आएगा जीरो, ठीक है। मतलब क्या हमसे मिला यहाँ पे, लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस जीरो, ठीक है। दस इन द विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो, मतलब आप जीरो की तरफ जा रहे हैं तो ऑल प्रोसेसेस शुड ऑकर विदाउट चेंज इन एंट्रोपी वैल्यू, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एस टू माइनस एस वन इक्वल टू जीरो, मतलब कि जितना पहले एंट्रोपी था उतने ही बाद में आएगा, ठीक है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नस्ट हीट थ्योरम इज दैट, यहां से क्या मिल गया, एक सेकेंड, यहां से क्या मिल गया, लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्लियर। मतलब कि अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की विसिनिटी में जाएं, द रीजन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी टेंस टू जीरो की तरफ जाएंगे तो ऑल प्रोसेसेस शुड ऑकर विदाउट चेंज इन एंट्रोपी वैल्यूज, डेल्टा एस जीरो होगा, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल एस टू में से अगर हम एस वन को माइनस करेंगे डेल्टा एस मिलेगा हमें, ये वैल्यू कितना आएगा इक्वल टू जीरो होगा, मतलब एस टू इक्वल टू एस वन, मतलब जितना आपको पास पहले था एंट्रोपी उतना ही बाद में भी आएगा, मतलब नो चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। सेकेंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इसका, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब हीट कैपेसिटी क्या होता है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक कॉन्स्टेंट प्रेशर और एक कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो इसी को लिखते हैं सीपी। सो सिंपली जब प्रेशर की बात करेंगे तो डेल एच बाई डेल टी आएगा, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसको कैसे पढ़ेंगे, चेंज इन एंथैल्पी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इसको बोलते हैं सीपी, हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंट प्रेशर। अगर भाई दूसरा टर्म हम लेंगे, फिलहाल यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए सी बी, इसको हम क्या लिखेंगे, डेल ई बाई डेल, बोलिए डेल ई बाई डेल टी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वालो, इसको बोलते हैं सी बी। नो डाउट सी पी इज ग्रेटर देन सी बी, सी पी माइनस सी बी इक्वल टू आर फॉर आइडियल गैस। तो ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में है, ठीक है। चलिए अब हमें यहां से क्या करना है, नस्ट हीट थ्योरम, बट फ्रॉम नस्ट हीट थ्योरम लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जब ये वैल्यू जीरो हो गया या टेंस टू जीरो है, ऑब्वियसली लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा सी पी इक्वल टू वी जीरो, ठीक है। सो इन द सेम वे एज डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, मतलब इन द विसिनिटी ऑफ एब्सोल्यूट जीरो देयर इज नो चेंज इन एंट्रोपी, इन द सेम वे हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड। दिस इज अनदर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नस्ट हीट थ्योरम, ठीक है। सो नस्ट हीट थ्योरम से हमें क्या चीज मिल गया कि लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस जीरो, लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा सी पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को कम करते जाएंगे, तो पहले नस्ट ने ये कहा कि डेल्टा जीरो डेल्टा एस बराबर होगा अकॉर्डिंग टू गिब्स एल्मोट इक्वेशन, ठीक है ना, मतलब ये एसिम्प्टोटिकली ये घटता जाएगा लाइक दैट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट जीरो पे डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, लिमिट टी टेंस टू जीरो जीरो। अब वहां से हमें चेंज इन एंट्रोपी निकाला, तो उसके लिए आपको मिल गया ये वाला टर्म डेल डेल जी बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इक्वल टू माइनस डेल्टा एस। जब ये जीरो है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा, बट कब होगा, व्हेन टी टेंस टू जीरो, ठीक है। सीपी के लिए हमने क्या निकाला, डेल डेल एच बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, ठीक है। तो ये वैल्यू भी क्या, अकॉर्डिंग टू नस्ट हीट थ्योरम जीरो है, जब ये जीरो है तो लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा सीपी भी जीरो, ठीक है, क्लियर। तो ये था नस्ट हीट थ्योरम, तो यहां से दो इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस मिला, ठीक है ना। अब आते हैं हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ। सो इन द प्रीवियस सेक्शंस द कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंजेस इन वेरियस प्रोसेसेस अंडर डिफरेंट कंडीशंस पढ़ चुके हैं। एंट्रोपी रिवर्सिबल इररिवर्सिबल, एंट्रोपी होता क्या है, फर्स्ट लॉ पढ़ा है, सेकंड लॉ पढ़ा है, ठीक है। देखिए फर्स्ट लॉ बेसिकली हमें क्या बताता है, द फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंटेंट एंड एंट्रोपी। फर्स्ट लॉ हमें बताता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमने एक टर्म पढ़ा था इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, Q इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, वर्क डन क्या होता है वो भी पढ़े हैं। सेकेंड लॉ में बेसिकली क्या बताया, एक नया आइडिया आया, एक नया टर्म आया एंट्रोपी, ठीक है, क्लियर। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हालांकि कुछ एक नया टर्म तो नहीं इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, बट ये क्या बताता है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट कैन नॉट बी डील्ड विद फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम डेल्टा एस लिखते हैं, चेंज इन एंट्रोपी निकालते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल के लिए, इररिवर्सिबल के लिए, फेज ट्रांजिशन के लिए डीक्यू बाय डीटी, डीक्यू बाय टी लिखते हैं, बट डेल एस लिखते हैं, डेल्टा एस लिखते हैं। थर्ड लॉ से हम क्या निकालेंगे, उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालेंगे किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। नाउ द बेसिक आइडियाज ऑफ द थर्ड लॉ वेयर गिवन बाय नस्ट एंड प्लांक, दो साइंटिस्ट मेन थे इसमें, नस्ट और प्लांक, इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया। उन्होंने क्या किया था, दे मेजर्ड हीट कैपेसिटी एट डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस एंड देन कैलकुलेटेड द एंट्रोपीज एट 0 केल्विन एंड फाउंड दैट द एंट्रोपी वैल्यूज वेयर द सेम फॉर ऑल सब्सटेंसेस एंड देन ही प्रपोज्ड ए जनरलाइजेशन व्हिच इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सो बेसिकली क्या थे, नस्ट जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है, ठीक है ना। सो नस्ट तो वैसे भी वेल नोन एक रेनाउड साइंटिस्ट थे, नस्ट इक्वेशन भी पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, नस्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी आता है, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया था, और प्लांक ने यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन किया था, प्रपोज किया था, ठीक है। सो फर्स्ट लॉ में क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कॉन्टेंट का कॉन्सेप्ट दिया। सेकेंड लॉ से हमें क्या मिला, एक नया टर्म मिला एंट्रोपी, ठीक है, डिस्कस हम कर चुके हैं। थर्ड लॉ में
कुछ नया टर्म तो नहीं आया, बट ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है, इट प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस, एब्सोल्यूट एंट्रोपी, चेंज नहीं बताता है। ठीक है, तो चेंज बताने के लिए हमें क्या है, फर्स्ट और सेकेंड लॉ में चेंज बताता है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट एंट्रोपी फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ से नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक, द एंट्रोपी ऑफ ए प्योर सॉलिड और ए प्योर लिक्विड डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम करेंगे, एंट्रोपी क्या होगा, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड का घटेगा, डिक्रीज होगा एंड बिकम्स इक्वल टू जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। कहानी खत्म, जब जीरो केल्विन हो गया तो एंट्रोपी भी क्या हो गया, जीरो हो गया। सो दिस स्टेटमेंट इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, सो मैथमेटिकली इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लिमिट टी टेंड्स टू जीरो व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेस टुवर्ड्स जीरो। ठीक है ना, तो एंट्रोपी क्या हो गई, इसकी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है, इट शुड बी नोटेड दैट थर्ड लॉ इज ओनली एप्लीकेबल टू प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। तो यहां में एक कंडीशन आ गई आपके लिए, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कब हमें एप्लीकेबल होगा, जब कोई भी सिस्टम इसमें होगा, सब्सटेंस क्या होगा, परफेक्ट प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो जब परफेक्ट क्रिस्टल आएगा, प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टल या लिक्विड या गैस, सॉलिड या लिक्विड होगा, तब उस केस में हम ये कहेंगे कि व्हेन टी टेंड्स टू जीरो या एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी ऑफ ए प्योर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो। सीधा सीधा एक लाइन की डेफिनेशन। क्या आपसे पूछा जाएगा कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब क्या है, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है कि किसी भी प्योर सॉलिड और लिक्विड का एंट्रोपी की बात करें, बट किसके लिए, प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो सीधा सीधा प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, उनकी एंट्रोपी जीरो केल्विन पे क्या होगी, जीरो। क्लियर, तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक। ठीक है, अदर स्टेटमेंट जैसे हमने सेकंड लॉ के लिए पढ़ा था, सो स्टेटमेंट्स ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो इट कैन बी स्टेटेड इन ए नंबर ऑफ वेज एज फॉलोज। अकॉर्डिंग टू लुईस एंड रेंडल्स स्टेटमेंट, एवरी सब्सटेंस हैज ए फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी बिकॉज एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम, बट इन केस ऑफ प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एंट्रोपी जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, इसके लिए लेकिन प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, इट स्टेट्स दैट हीट कैपेसिटी ऑफ ए प्योर एंड परफेक्टली सब्सटेंस डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, एंड अल्टीमेटली बिकम्स जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो, जो पीछे लिखा था। ठीक है, सो मैथमेटिकली, ठीक है, सो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो सीपी इक्वल टू जीरो, चलिए यहाँ पे एंट्रोपी की बात करेंगे या हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, तो आप एंट्रोपी का तो पीछे लिखा ही था मैंने ये वाला टर्म। ठीक है, सो लिमिट टी टेंड्स टू जीरो एस इक्वल टू जीरो, और सेकेंड हमने क्या था, हीट कैपेसिटी की बात की थी। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, लिमिट दिस सीपी टेंड्स टू जीरो। ठीक है, सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अगर हमें लिखने के लिए आएगा तो हमने क्या समझा, सीधी सीधी एक लाइन में कि प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की एंट्रोपी जीरो केल्विन पे क्या होगी, एब्सोल्यूट जीरो, जीरो केल्विन पे जीरो। ठीक है, प्लांक के हिसाब से मैथमेटिकली लिख दीजिए, लिमिट T tends to zero, S equal to zero, ठीक है? According to Lewis and Rendell, तो हर substance की कुछ ना कुछ finite positive entropy होती है, क्योंकि entropy is a measure of disorderness, ठीक है? But in case of pure and perfect crystalline substance, entropy may be zero at absolute zero. या as temperature approaches towards zero Kelvin, absolute zero, entropy becomes zero, ठीक है? क्लियर, तो ये था थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट। ठीक है,
चलिए अब यहां से इसका मतलब सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस कॉन्सिक्वेंसेस. सो इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्ड लॉ. सो द मेन इंपॉर्टेंस द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस. ठीक है. सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम क्या निकालते हैं. इट हेल्प्स इन द कैलकुलेशन ऑफ द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय फर्स्ट और सेकंड लॉ. ठीक है. इसलिए हर लॉ का हर चीज का अपना एक मतलब होता है, अपनी एक वैल्यू होती है. ठीक है. नाउ फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ एंट्रोपी तो सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का ही है या एंट्रोपी डिफिनेशन डीएस इक्वल टू डीक्यू बाई टी. ठीक है. हीट कैपेसिटी सीपी इक्वल टू डीक्यू बाई टी और डीक्यू इक्वल टू सीपी डीटी. ठीक है. दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए. तो यहां भी डीक्यू है, यहां भी डीक्यू है, रख दीजिए. तो यहां से हमें क्या मिल गया, ds इक्वल टू cp dt by t. क्लियर. तो ds चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी क्या लिखेंगे, cp dt by t. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी. तो द चेंज इन एंट्रोपी व्हेन टेंपरेचर चेंजेस फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो टू टेंपरेचर. क्योंकि थर्ड लॉ क्या कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो की बात करेंगे या एट एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी इज जीरो. ठीक है. अब जीरो केल्विन से मान लीजिए हम उसको बढ़ा के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर तक ला रहे हैं, जैसे सपोज 298 तक, तो जीरो केल्विन पे तो जीरो हो गया. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने पीछे पढ़ा है एंट्रोपी बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ाने से एंट्रोपी. चलिए डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. सो अब चेंज इन एंट्रोपी व्हेन टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो टू टेम्परेचर टी एनी वैल्यू टी. इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट. तो एस जीरो जीरो केल्विन से एनी टेम्परेचर एस टी. तो डीएस इस टर्म को भी इंटीग्रेट करेंगे तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है फ्रॉम जीरो केल्विन टू एनी वैल्यू टी. तो सीपी डीटी बाई टी. यहां से क्या मिलेगा हमें, एस आएगा किस टेम्परेचर पे, एस टी. इसको बोलेंगे एस टी माइनस एस जीरो. और ये जीरो टू टी सीपी डीटी बाई टी, या इसको हम सीपी डी एल एन टी बाई डी एल एन टी भी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से. ठीक है. वेयर एस जीरो इज नोन एज एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट एब्सोल्यूट जीरो. एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी क्या हो गई, एस जीरो हो गया. ठीक है. एस टी मतलब क्या मान लिया, एनी टेम्परेचर. तो एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस एट टेम्परेचर टी, इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर. किस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसकी एंट्रोपी क्या होगी, या कहीं कहीं इसको थर्ड लॉ एंट्रोपी भी लिखता है. ठीक है. नाउ बट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके लिए हमने क्या पीछे चीज देखा, फॉर ए प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एस जीरो की वैल्यू क्या आएगा, जीरो. ठीक है. तो पहले हमने अप्रोच क्या रखा, पहले हमने क्या रखा, एक चेंज निकाला कि हमें कि जीरो केल्विन पे है तो हमें पता है कि उसकी वैल्यू जीरो है. अब जीरो से कितना हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, दैट इज एस टी. ठीक है. मतलब एंट्रोपी एट टेम्परेचर टी एनी वैल्यू 290 250 350 500 लाइक दैट. ठीक है. तो हमें क्या मिल गया, एक एक्सप्रेशन मिल गया जो हमें चेंज बता रहा है. ठीक है. अब इस चेंज में ठीक है एस जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो. तो ये टर्म यहां से क्या हो गया, कैंसिल आउट. तो अब हमें जो ये एस टी आएगा इस इक्वेशन नंबर थ्री से, फ्रॉम इक्वेशन थ्री से, वो हमें क्या बताएगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ ए सब्सटेंस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर टी. क्लियर. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन थ्री वी हैव एस टी आ गया, एस जीरो को हमने जीरो कर दिया तो ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया. जीरो टू टू सीपी डी टी बाई टी, मैथमेटिकली डी टी बाई टी मतलब डी टी एल एन टी लिख सकते हैं, सिंस डी टी बाई टी इज डी एल एन टी. ये एल एन में है तो इसको हम लॉग में चेंज करेंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 2.303 जीरो टू टी सीपी डी एल एन डी लॉग. तो ये फाइनली हमारा इक्वेशन यूज करेंगे हम किसके लिए, टेम्परेचर, किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी निकालने के लिए. ठीक है. सीपी हमें दिया रहेगा, डी लॉग टी वो तो फॉर्मूले से, टेम्परेचर आपको देगा कि किस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक निकालना है. ठीक है. क्लियर. अब यहां से थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये तो न्यूमेरिकल हो गया कि वैल्यू देगा, हम रख के यहां से इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देंगे. The absolute entropy of the substance at temperature T can be calculated
बाय प्लॉटिंग सीपी वर्सेस लॉग टी, मतलब आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और सीपी बाय टी वर्सेस टी, देखिए सीपी सीपी बाय टी वर्सेस टी और सीपी वर्सेस लॉग टी, ये सेकंड केस सीपी वर्सेस लॉग टी, ठीक है। तो आपको इस तरह का कुछ कर्व मिलेगा। अब इस कर्व का जो एरिया आएगा, ठीक है ना, ये जो एरिया आएगा, ये जो मैंने यहाँ पे सेटेड लाइन किया हुआ है, इसका जो एरिया आएगा वो एरिया हमें क्या बताएगा, एरिया अंडर द कर्व वो हमें क्या दे देगा, एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। तो इस कर्व का एरिया निकालिए या इस कर्व का एरिया निकालिए, तो वो जो एरिया आएगा वैल्यू वो हमें देगा एब्सोल्यूट एंट्रोपी। बट निकालेंगे कैसे एरिया, नापने तो जाएंगे नहीं, तो हम क्या यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें बताता है एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू, ठीक है। तो टी एस इक्वल टू डी क्यू बाई टी फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यू मे राइट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या वी नो दैट फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी, बातें की है। हीट कैपेसिटी, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, सीपी इक्वल टू डी क्यू बाई टी, इसकी जगह पे रख दिया, डी क्यू की जगह पे सीपी डी टी रख दिया, एक हमें मिल गया इक्वेशन डी एस के टर्म में, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, लिमिट क्या था, जीरो टू टी, तो जीरो पे एंट्रोपी क्या बोलते हैं, एस जीरो, टी पे एंट्रोपी हो गया एस टी, जीरो टू टी सीपी डी टी बाई टी फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एस जीरो, जीरो केल्विन पे एंट्रोपी हो गया जीरो, ये टर्म यहां से कैंसिल कर दीजिए, टी टेम्परेचर पे जो एंट्रोपी है दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट एंट्रोपी, वो हमें निकालना है, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला मिल गया दिस वन। अब आपको सीपी न्यूमेरिकल में दिया रहेगा, तो सीपी डी टी बाई टी को हम लिख सकते हैं डी एल एन टी, ठीक है। एल एन है, लॉग में चेंज करना है 2.303, रख के सॉल्व कर दीजिए, टेम्परेचर आपको दिया रहेगा, ठीक है। ग्राफिकली कैसे निकालेंगे, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे सीपी वर्सेस लॉग टी, मतलब ये इस तरह का ये नेचर आएगा, और सीपी वर्सेस लॉग टी तो ये आएगा। अब एरिया अंडर द कर्व वो हमें एक्चुअली एब्सोल्यूट एंट्रोपी बताता है, ठीक है, क्लियर। एंट्रोपी ऑफ लिक्विड, द एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ लिक्विड एट टेंपरेचर टी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग स्टेप्स एज गिवन बिलो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि आपको इस साल गेट में भी क्वेश्चन यहां से मिला था, ठीक है। देखिए, हीट द सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम जीरो केल्विन टू इट्स मेल्टिंग पॉइंट टीएम, ठीक है, इसमें स्टेप्स हैं, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि उस सॉलिड को हम गर्म करेंगे इसे जीरो केल्विन से मेल्टिंग पॉइंट तक, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट ट्रांसफर ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, तो पता है कि सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा, देन फिर क्या होगा, हीट द लिक्विड फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट टू द डिजायर्ड टेम्परेचर टी, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट स्टेप के लिए एंट्रोपी चेंज निकालेंगे, तो ये मिल गया जीरो टू टी एम, जीरो केल्विन से हम क्या कर रहे हैं उसको मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट सीपी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, डी टी बाई टी, ये इंट्रो एस वन लिख सकते हैं आप यहाँ में, ये फर्स्ट स्टेप की एंट्रोपी हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या कर रहे हैं, अब वो लिक्विड में आ गया, तो डेल फ्यूजन एच बाई टी एम, तो ये सेकेंड स्टेप की डेल एस टू भी हम लिख सकते हैं, ये सेकेंड स्टेप की एंट्रोपी चेंज हो गया, ठीक है। एंड देन अब क्या है, वो लिक्विड हो गया, बट लिक्विड किस में है, टेम्परेचर अलग अलग है, ठीक है। तो जो आपको टेम्परेचर न्यूमेरिकल में कहेगा, तो उसको अब हम क्या कर रहे हैं, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कहां तक ले जा रहे हैं, टी, तो सीपी, ठीक है। सो मेल्टिंग पॉइंट से कहां तक ले गए, उसका डिजायर्ड टेम्परेचर टी, सीपी ये भी लिक्विड है, फिर हीट कैपेसिटी लिक्विड स्टेट डी टी बाई टी, ठीक है। तो एंट्रोपी ऑफ लिक्विड को हम यहां से निकाल सकते हैं, इसमें बेसिकली तीन स्टेप होता है, कि पहले हम उसको क्या करते हैं, सॉलिड से लिक्विड में ले जाते हैं, तो मेल्टिंग करते हैं, ठीक है, फिर वो फेज चेंज फेज ट्रांसफॉर्मेशन की एंट्रोपी हो जाती है सॉलिड से लिक्विड के लिए, तो डेल्टा फ्यूजन एंथैल्पी ये वैल्यू दिया रहेगा आपको, टीएम मेल्टिंग पॉइंट दिया रहेगा, वाटर के लिए तो हमें पता ही है, अदर सॉल्वेंट का दिया रहेगा। अब वो लिक्विड हो गया, बट वो मेल्टिंग पॉइंट से कहां पे गया, एक डिजायर्ड टेम्परेचर टी पे गया, तो हो गया सीपी लिक्विड, ये एल फॉर लिक्विड है, ये एस फॉर सॉलिड है, डीटी बाई टी, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से हम एंट्रोपी ऑफ ए सॉलिड सॉरी एंट्रोपी ऑफ लिक्विड निकाल सकते हैं, ठीक है, यहां से हम इसका लिक्विड का निकाल लेते हैं, क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं,
Similarly, the absolute entropy of a gas above its boiling point at temperature T can be calculated as. तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, आपको सॉलिड से लिक्विड किया, फेज ट्रांसफॉर्मेशन किया जैसे पीछे आया, फिर उसके बाद उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले गए टीवी तक, फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लिक्विड से वेपर, तो वेपराइजेशन उसका बॉइलिंग पॉइंट, और अब वो गैस हो गया तो जो टेम्परेचर आपको देगा वो होगा. ठीक है, तो यहाँ में फेज ट्रांसफॉर्मेशन भी है, सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं फिर लिक्विड से गैस जा रहे हैं. ठीक है, तो क्लियर है, हो जाएगा. चलिए और भी आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और भी ये क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ में गैस के केस में क्या आएगा कि आपको सॉलिड से लिक्विड आना है फिर लिक्विड से गैस, इसलिए दो बार फेज ट्रांसफॉर्मेशन है. तो सॉलिड से लिक्विड आएंगे तो ये वाला फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना, और फिर लिक्विड से गैस जाएंगे तो ये वाला फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया. सॉलिड स्टेट की हीट कैपेसिटी ये हमें दिया रहेगा, फिर लिक्विड की हीट कैपेसिटी यहाँ वाला, और ये फिर फाइनली गैस की हीट कैपेसिटी. ठीक है, क्लियर. तो यहां से क्वेश्चन इस बार गेट में आया था, ठीक है ना. अब यहां से लेते हैं सॉल्व एग्जांपल. द मोलर एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस, इसका हीट कैपेसिटी m फॉर मोलर दिया हुआ है 209 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स एट 298 केल्विन इज 146 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, फाइंड इट्स वैल्यू एट 500 केल्विन. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आपको हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, मोलर एंट्रोपी, मोलर मीन्स वन मोल, ठीक है, किस टेम्परेचर पे 298, तो एस 298 की वैल्यू हमें पता है. ठीक है, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है 146.0, नो प्रॉब्लम. हमसे क्या पूछ रहा है, एंट्रोपी एट 500 केल्विन, ये आप बता दीजिए, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है. सीपी की वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो सीपी की वैल्यू दिया हुआ है 20.9, क्लियर. ठीक है, सो हमें क्या दिया था, 298 पे वैल्यू दिया है, 500 पे पूछ रहा है, हीट कैपेसिटी हमें दिया हुआ है, तो हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा. चलिए एस टी माइनस दो टेम्परेचर, तो डेल एस निकालेंगे तो आपको दो टेम्परेचर, तो डेल एस की वैल्यू क्या आएगा, 0 to T सीपी dT by T लिखिए, चाहे डी एल एन टी लिख दीजिए, अब इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दीजिए, आपको मिल जाएगा. ठीक है, हो जाएगा, बोलिए हो जाएगा ना. ठीक है, आगे बढ़े, तो चलिए इसको सॉल्व करके आप, ठीक है, क्लियर. तो कोई दो टेम्परेचर देगा, एक एंट्रोपी देगा, एक हमसे पूछेगा, एक कैपेसिटी दिया रहेगा, इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए. ठीक है, तो फटाक से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा. ठीक है, अब आप आंसर चेक करिए कि जो आपने निकाला था वो इतना आया था कि नहीं आया था. सो टेम्परेचर T1 इज गिवन, T2 इज गिवन, एस 298 पे एंट्रोपी इज गिवन, 500 पे हमसे पूछ रहा है, पीछे फॉर्मूला 0 to T मतलब वही T1 T2 दो टेम्परेचर देगा आपको, दो टेम्परेचर देगा, सीपी डी एल एन टी या डी टी सीपी डी टी बाई टी बात एक ही है, इंटीग्रेट कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमको मिल गया एंट्रोपी एट 500. ठीक है, क्लियर हो जाएगा, तो हो जाएगा, इसको कर दीजिए. ठीक है, अब ये क्वेश्चन का है, आपको हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, हमसे क्या कर रहा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज व्हेन 10 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड दिस प्रेशर. सो दिस इज व्हाट, पी, दिस इज टेम्परेचर टी. देखिए मोलर वर्ड आपको यहाँ में नहीं यूज किया है, मोलर एंट्रोपी नहीं, आपको एंट्रोपी निकालना है, कितने मोल है हमें नहीं पता है, ठीक है ना, बट ये जो वैल्यू दिया है वो किसके लिए दिया है, वन मोल के लिए दिया है. ठीक है, सो टेम्परेचर 27 है, ये T1 हो गया, ऑब्वियसली केल्विन में करना पड़ेगा, किस टेम्परेचर तक आपसे पूछ रहा है, 127 मतलब ये हो गया T2. प्रेशर तो हमारा कॉन्स्टेंट ही रखा है क्योंकि एमसीपी की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर तो कॉन्स्टेंट ही होगा, क्लियर. ये जो टर्म दिया है ये क्या है, वॉल्यूम, बट दिस इज डेसी मीटर क्यूब है, इसलिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर डी, यहां से हमें
रखना पड़ेगा। तो ये वॉल्यूम की जगह हो गया या प्रेशर की जगह हो गया। टेम्परेचर PV इक्वल टू एनआरटी, नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा, दो टेम्परेचर दिया है हमें, एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में एक टेम्परेचर में दिया था, एक आपसे पूछा था, यहाँ में टेम्परेचर एंट्रोपी चेंज ही पूछ रहा है, मतलब इस टेम्परेचर से ये टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर है। तो वहां मोलर लिखा था इसलिए नंबर ऑफ मोल्स 1 आया, बट यहां में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो पक्का पक्का है, सीधा क्वेश्चन था, यहां में थोड़ा सा हमें गर्म करके खाना है। ठीक है, आ जाएगा, तो फटाक से सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, सो पहला काम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, पीवी इक्वल टू एन आर टी पता है, वॉल्यूम भी दिया है, प्रेशर भी दिया है, टेम्परेचर भी दिया है, किस टेम्परेचर पे निकालना है, 127 पे, 81 हो गया, T2 हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, सीपी दिया हुआ है, आपको सिर्फ एंट्रोपी चेंज बताना है, पार्टिकुलर एंट्रोपी किसी टेम्परेचर पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कितना आंसर आया बोलिए, हो गया। चलिए, तो ये हो गया, अब आप आंसर चेक करिए, जो आपने निकाला था वो कितना आया था, यहाँ में कितना आ रहा है। सो टेम्परेचर T1 हो गया क्योंकि सेल्सियस है, तो केल्विन कर दिया, T2 कर दिया, सीपी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया। ठीक है, तो ये आ गया दिस वन, S1 S2 चेंज इन एंट्रोपी पूछा, मतलब डेल्टा एस हो गया, T1 T2। ठीक है, T1 कितना हो गया 300 to 400, रख दीजिए एनसीपी डीएलएनटी, एन नंबर ऑफ मोल्स था 2.303, लॉग सॉल्व कर दीजिए, सारी वैल्यू दिया है हमें, मिल गया। अगर ये किसी एक टेम्परेचर में दिया होता तो दूसरे टेम्परेचर में भी पूछ सकता था, बट वहां भी हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ता। क्लियर, तो एक फॉर्मेट आपको ये था पीछे वाला। ठीक है, हाँ सॉरी, ये कहा गया ये वाला, तो यहाँ भी आपको एक कैपेसिटी दिया है, टेम्परेचर दिया है, एक टेम्परेचर पे एंट्रोपी दिया था, दूसरे पे पूछ रहा था, मोलर एंट्रोपी लिखा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स 1 है। ठीक है, बट यहाँ में नंबर ऑफ मोल्स एंट्रोपी चेंज लिखा है, मोलर एंट्रोपी नहीं लिखा है, मोलर एंट्रोपी लिखा होता तो फिर हमें ये पीवी की जरूरत नहीं थी, ये वैल्यू में पता था तो पिछला क्वेश्चन हो जाता। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, लीजिए गेट 2015 का क्वेश्चन है। अब नंबर ऑफ मोल्स आपको यहां में दे दिया है, सो 1 मोल नो प्रॉब्लम इज हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 400, चलिए ये भी केल्विन में दे दिया, नो प्रॉब्लम। अभी जो पीछे वैल्यू आई थी सेल्सियस में था, तो हमने केल्विन किया था, वहां भी 300 400 आया था, T1 T2 हो गया, कांस्टेंट प्रेशर तो भाई रहेगा ही रहेगा। द सीपी ऑफ द सब्सटेंस एज, ये आ गया सीपी की वैल्यू। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको कुछ वैल्यू दिया था, यहाँ में कुछ एक्सप्रेशन दे देगा, अभी तो ये ट्रेलर है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन देता है, बट डरने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ हाथी का दांत है दिखाने के लिए। ठीक है, तो कुछ ना कुछ हमें सीपी देगा, चेंज इन एंट्रोपी आपसे पूछ रहा है, तो चेंज तो भी आपने पीछे क्वेश्चन में भी निकाला था, बट वहां मोल नहीं दिया था, तो हमने मोल निकाला था, मोल के लिए आपको पीवी इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला लगाया था, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम था, सीपी की वैल्यू दिया था, तो रख दीजिए। ठीक है, तो इस पे नहीं जाना है कि ये गेट का क्वेश्चन है, सुन के हार्ट बीट बढ़ जाता है कि अरे ये तो नेट गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो इसलिए हमें अपने टॉपिक पे रहना है, अपने टॉपिक को समझना है, अपने कॉन्सेप्ट पे रहना है, क्वेश्चन चाहे जहां का भी हो। ठीक है, सो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो, ठीक है ना, तो चलिए फटाक से सॉल्व करिए, आंसर बताइए क्या आएगा। T1 दिया है, T2 दिया है, CP दिया है, हमें चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, तो डेल इज इक्वल टू 0 टू T1 T2 CP dT by T और dLnT, CP की जगह ये रख दीजिए, टेम्परेचर 300 to 400, सीधा सीधा यहाँ से 300 to 400, CP आपको कुछ दिया है, dLnT या dT by T भी आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, dT by T भी रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, एल लेंगे तो फिर 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ठीक है, सॉल्व करिए फटाक से, आंसर क्या आएगा बताइए। चलिए, तो आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, करना क्या है। ठीक है, करना तो आप ही को है, क्योंकि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि कोच कितना भी टैलेंटेड हो, खेलना तो प्लेयर को ही है, गोल तो प्लेयर ही मारेगा, कोच जाके गोल नहीं मारेगा, कोच आपको सेंचुरी नहीं मारेगा, कोच जाके विकेट नहीं लेता है। ठीक है, उसका काम है सिर्फ, डॉक्टर का काम है सिर्फ दवा देना, पेशेंट का काम है दवा खाना। ठीक है, अगर पेशेंट दवा खाएगा ही नहीं और ये कहे कि डॉक्टर साहब की दवा से फायदा नहीं है, तो इट्स नॉट फेयर। ठीक है, तो इसलिए अल्टीमेटली सॉल्व आप ही को करना है। ठीक है, खेलना तो प्लेयर को ही है, कोच तो जाके खेलेगा नहीं, अब वो तो रिटायर हो चुका है। ठीक है, तो रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, क्या मिलेगा लीजिए। ठीक है, सो T1 हो गया, T2 हो गया, CP हो गया, फॉर्मूला हो गया, रख दिया, सॉल्व किया, कितना आ गया 11.43। ठीक है ना, तो कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लिक्विड गैस वाला इस बार गेट में भी आया था। ठीक है, और जब आप एग्जाम देंगे तो वहां में भी क्वेश्चंस मिल सकता है, मिलने का चांस है 99.999%। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे मैंने कुछ आपको सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम दिया है, अब आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आपको मिला है, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, आपका क्या क्वेश्चन आया है, कितना आंसर आया है, क्या आया है। यहाँ में क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस कुछ वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तीसरी कुछ एक्सप्रेशन टाइप में टेम्परेचर रेंज क्या है, 0 to 50, कैलकुलेट दी एंट्रोपी चेंज इन दिस रेंज। तो बस वही जो काम अभी पीछे किया, 0 to 50 CP। ठीक है, DLN T, सीपी की जगह बस आप इसको रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, आज का होमवर्क। सेकंड, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस। यस, इस तरह का क्वेश्चन ही आपको गेट में नेट में मिलता है IIT एग्जाम में। 1 मोल H2O 293 केल्विन पे है, कुछ प्रेशर पे है, अब इसको चेंज करके 1 मोल H2O दे रहा है। देखिए, 293 से क्या दे रहा है, 523, प्रेशर को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, गिवन द फॉलोइंग, CPM लिक्विड दिया हुआ है, गैस में भी दिया हुआ है, डेल वेपराइजेशन भी आपको दिया हुआ है, जो मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा हुआ था। ठीक है, हो जाएगा, तो बस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करिए। ये आपका सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम है, मतलब आपको सॉल्व करना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब चैप्टर खत्म होगा तो हमें और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आएंगे, या आप कमेंट बॉक्स में बताइए, तब आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, कैलकुलेट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। यहाँ भी देखिए, 1 मोल H2O है, मतलब की जगह 1 रखेंगे, मोलर लिखा हुआ है 1 मोल। तो आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड है, 20 डिग्री सेल्सियस पे है, यहाँ में क्या हो गया, गैस हो गया, सो हमें एंट्रोपी ऑफ गैस निकालना है, किस टेम्परेचर पे, 250 पे। ठीक है, आपको इसलिए वैल्यू दोनों दिया, लिक्विड में भी हीट कैपेसिटी दिया है, गैस में भी दिया है, वेपराइजेशन का भी दिया हुआ है। ठीक है, तो सिर्फ लिक्विड से गैस, तो लिक्विड से गैस, तो आप पहले पीछे मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, तो एक वेपराइजेशन के लिए क्या देगा, आपको एक फॉर्मूला था वहां पे, डेल BB डिवाइडेड डेल BH चेंज इन वेपराइजेशन, या एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय TB बॉइलिंग। तो एक तो आपको डेल H2 ये निकल जाएगा, और फिर इसको लिक्विड, ये गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस से गैस, तो बॉइलिंग से अब हम कहां लेके जा रहे हैं इसको, 250 केल्विन, तो ये हमारा टेम्परेचर T हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर, डिजायर्ड टेम्परेचर जो मैंने पीछे लिखा था थ्योरी पार्ट में। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ पहले आप ट्राई करिए, पहले एग्जांपल्स को देखिए, थ्योरी को देखिए, उसके हिसाब से आप ट्राई करिए। ठीक है, जो आपका आंसर आ रहा है वो आप हमें रिपोर्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, या फिर टेलीग्राम चैनल पे लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसका तब हम इसका सॉल्यूशन और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो ये पार्ट वाइज पार्ट में है। ठीक है, तो इसलिए
पहले ये कि आप पहले ट्राई करके देखिए आपसे, ठीक है। सो आई होप कि स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, सो ये था आज का थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका कैलकुलेशन ना स्टीम थ्योरम। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम टुवार्ड्स जीरो लेके जाएंगे, अप्रोचेस टुवार्ड्स जीरो, एब्सोल्यूट जीरो, एंट्रोपी भी क्या होगा, जीरो। लेकिन किसके लिए, परफेक्ट प्योर एंड परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ये लाइन हमें लिखना पड़ेगा जब भी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात आएगी, क्योंकि इसका एक्सेप्शनल भी है जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज रेसिडुअल एंट्रोपी। और वहां से भी आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे होता है, रेसिडुअल एंट्रोपी कहां से आती है, वो सब आपको एक्सप्लेन करेंगे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट के लिए। और देन वहां से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो, नेट का, गेट का या एडिशन का, ठीक है, क्लियर। सो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एब्सोल्यूट एंट्रोपी कैसे निकालते हैं, आज मैंने थोड़ा कैलकुलेशन कम लिया है, ठीक है, क्योंकि जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए कि पहले आप क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना, क्या दिया है, कैसे दिया है, वो कॉन्सेप्ट कहाँ से रख के तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे जो रेसिडुअल एंट्रोपी सिलेबस का है, मॉलिक्यूलर स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, वहां से एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, मतलब टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर, अब की बार नहीं चुकना है, ठीक है। सो वीडियो को आप देखिए, पसंद आएगा लाइक करिए, पसंद तभी आएगा जब आपको क्वेश्चंस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझ में आएगा, तो कमेंट करिए आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है, नहीं आया तो भी करिए, आया तो भी करिए। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। सो कंप्लीट कवरेज आपको मिलेगा यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट अभी थोड़ा फिजिकल पढ़ रहे हैं तो पहले फिजिकल देन उसके बाद, ठीक है ना। सो जहाँ का भी क्वेश्चन हो, जो भी टॉपिक हो, क्लियर आ जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आज आपका होमवर्क है, ठीक है, तो इसलिए जो भी न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करके आप उसको कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कि मैंने सॉल्व किया है, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, वीडियो आपको अच्छा लगा नहीं लगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें पढ़ेंगे रेगुलर एंट्रोपी, उसका एक्सप्लेनेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, तब फिर आपका सेकेंड पार्ट आएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो थोड़ा सा लेवल भी ज्यादा है। ये बीएससी सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।